नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अक्सर अपने गानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हमेशा खेसारी लाल यादव काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरीके से उनके एल्बम आते हैं, तो कल के दिन जिस तरीके से उनके बेटे ऋषभ का जन्मदिन मनाया गया था, उसके बाद वो लिट्टी चोखा बनाते नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है। बात करें तो खेसारी लाल यादव ने अपने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट और तस्वीरें शेयर की है, जिसके बाद से एक बार फिर से खेसारी लाल यादव की चर्चा होने लगी है। जी हाँ, बात करें तो खेसारी लाल यादव कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन लेते हुए खेसारी लाल यादव ने तस्वीरें शेयर की है, जिसके बाद से इस तस्वीर पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स, कमेंट और जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और इस तस्वीर को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। बात करें तो खेसारी लाल यादव ने अपने फेसबुक पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि कोरोना का इलाज संभव बा, फर्जी अफवाह आज भी लाइलाज है, कोनो अफवाह में पड़े के जरूरत नहीं है, जल्दी जाएं और वैक्सीन लगवाएं, हैशटैग वैक्सीनेटेड। यानी कि इनका कहना है कि जो है इलाज संभव है, कोरोना का इलाज संभव है और फर्जी अफवाह चीज़ों से जो है आप बचे रहें और इसको लेकर कोनो अफवाह में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जाइए और वैक्सीन लगाइए। मतलब कि खेसारी लाल यादव खुद जो हैं वैक्सीन ले लिए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी जाएं और कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। आप में से कौन कौन ने वैक्सीन लगवाया है कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। धन्यवाद।